हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है सैटरडे, आज 8 तारीख है। हाँ, आज 8 तारीख है और 11 को जन्माष्टमी है। तो मैंने बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग स्टार्ट किया। एक वीडियो ना बना हुआ रखा हुआ, लेकिन मैंने उसे एडिट भी नहीं किया। जैसे कि आप लोगों को मैंने मैसेज कर दिया था कि मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इस करके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम तो मंडे को ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद ना पता नहीं क्यों वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। शायद इसलिए मेरा ये हाल है, वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाती, इसलिए क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलना भी नहीं ठीक है। तो चलिए, मैं कल ना मार्केट गई थी कान्हा के लिए, कुछ कपड़े खरीदना था। तो मार्केट के कपड़े किस टाइप से होते हैं आपको पता ही है, टिकता बिल्कुल भी नहीं है। और मैं मेरे कन्हैये को वॉश करके पहनाती हूँ ड्रेस, जो बहुत ज़्यादा हैवी तो मेरे कान्हा के पास अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना उस टाइप की ड्रेस मिलती नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ ना, वैसी मिलती नहीं है। बहुत हल्की फुल्की मिलती है, जो कि एक बार धो लो तो उसका जो उसके अंदर जो बुकरम होता है ना, वो झड़ने लग जाता है। तो उस करके मैं खुद से ही बनाती हूँ। तो क्या फैब्रिक मैं लेकर आई हूँ कान्हा के लिए, मैं वो दिखाती हूँ। और कट करके मैंने रख लिया है। वैसे देखिए, एक ये वाला फैब्रिक है, ऑरेंज कलर है, प्योर यही कलर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही कलर है। और ये डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा ना, कि मेरा मन कर रहा है ना कि मैं इसका 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर इसका ब्लाउज बना लूं और इस टाइप की ग्रीन कलर की प्लेन साड़ी के साथ इसको मैं पहनूं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसका ब्लाउज जरूर बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दो मैंने साटन के कपड़ा लिया है, एक ये है येलो और ये है मेहरून। ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना कलर, यही कलर है। और हाफ हाफ मीटर ही लिया है, ये मुझे 55 रुपये मीटर था, तो हाफ हाफ मीटर करके ली तो ये 55 रुपये का हो गया। और ये 190 रुपये मीटर है, तो ये भी हाफ मीटर ली। और एक और ली, जो कि मैं इसकी ड्रेस में नहीं बनाऊंगी, इसका मैं खुद का ब्लाउज ही बनाऊंगी, हो जाएगा। एक ये वाला है, मतलब एक ना मेरे पास ब्लू कलर की साड़ी है ना, तो उसके साथ जो ब्लाउज का कपड़ा है सेम यही कपड़ा है, डिज़ाइन मैंने उतना गौर नहीं किया है, लेकिन यही वाला फैब्रिक है। तो ये ना मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लाउज इससे हो जाएगा। और एक साड़ी है लाइट पिंक कलर की, जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, उसके साथ ही पहनूंगी। और दो सूट रखा हुआ है ना सिलने के लिए, वो मैंने कभी मन करता है मैं सिल लूँ, कभी मन करता है कि ना सिलूँ, फिर भी देखते हैं। अब एक एक घंटा लगा के ना सभी कपड़े जो हैं सिल के रखूँगी। ब्लाउज ज़रूरी हो गया, नवरात्रि आ रहे हैं तो ब्लाउज सिलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं नवरात्रि की पूजा में क्या पहनूंगी। और देखिए, मैंने कट करके रख लिया है, दो चार ड्रेस बना रही हूँ। दो मेरी ननद के लिए है, वो आई थी राखी पे तो बोली कि भाभी मार्केट में ड्रेस मिल नहीं रहा है, मेरे साथ गई थी वो, तो मैंने उनको कहा कि चलो मैं बना कर दे दूँगी आपको। तो दो ड्रेस उनके लिए बन रहा है, सेम डिज़ाइन बनाऊँगी, तो जो मेरी मेरे कान्हा की होगी तो वही उनके कान्हा के लिए भी होगी। तो दो ड्रेस मैं पहले बना देती हूँ, फिर उसके बाद कल मैं अपने कन्हैया की बनाऊंगी। तो आज यही सब हो रहा है। सुबह मैंने बनाया था आलू बैगन की सब्जी और रोटी। अभी मन कर रहा है ना कि बच्चों को आलू का पराठा बनाकर दे देती हूँ, चाय के साथ खाएंगे, चाय के साथ ही खाते, दही के साथ खाते नहीं है। और रात में खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है बहुत दिनों के बाद। कमेंट जरूर करना, ठीक है, आप लोगों को मेरी याद आती है कि नहीं आती है। एक तो मैसेज आया था कि बहुत अच्छा लगा, कि मैम प्लीज़ वीडियो अपलोड कीजिए, आई मिस यू, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, बाद में मैं मिलती हूँ, जब कान्हा की ड्रेस बनाऊंगी तो उस समय मैं आपको दिखा भी दूंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी और क्या दिखाऊंगी, और बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला लैस भी मैंने लिया था, ये 30 रुपये मीटर है और ये बड़ा महंगा पड़ा, पता है 25 रुपये मीटर। यहाँ पे बोल लेस लैस लेस कुछ भी है, यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। माँ के घर गई ना, लुधियाना जाऊँगी ना, तो होलसेल में लेकर आऊँगी चौड़े बाजार से, वहाँ पे होलसेल में सब कुछ मिलता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, जिस करके मैं मेरे कान्हा के लिए बना नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो यही सब है,
क्या करें। और एक सूट मैंने बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। उसका गला थोड़ा सा डीप हो गया, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कितना डीप गला था, सच में थोड़ा सा डीप हो गया है। तो उसके साथ मुझे डोरी लगानी है। डोरी के लिए ना तो सूट का फैब्रिक बचा, ना सलवार का फैब्रिक बचा, एक्चुअली बचा था, डोरी बन जाती लेकिन मैंने उसको फेंक दिया झाड़ू लगाने में। बन गई तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वो हो गया, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आई है लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा। और इसका ये टैसल बनाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी। अभी चोली बाकी है तो ये मतलब तकरीबन एक ड्रेस तो कंप्लीट है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, एकदम रेडीमेड मार्केट वाली ड्रेस। तो यहाँ पे टैसल बांधना है और चोली बनाना है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, आलू उबाल चुकी हूँ, बच्चों को दे देती हूँ लंच बनाकर, उसके बाद मैं ये कंप्लीट करूँगी। तो देखिए आलू बॉईल करके रख दिया था। क्या बेटा? मैं वहाँ पे गया था। अच्छा ठीक। और जा रही हूँ प्याज काटने, आलू तो बॉईल है, फटाफट बच्चों का पराठा बनाकर दे देती हूँ, बच्चों को पराठा बनाकर दे देती हूँ। तो आलू को बिना फ्राई किए ही मैं पराठा बनाऊंगी, जिसमें कि मैं प्याज, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से ऐड किया है इसमें, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। एक तरफ चाय चढ़ी हुई है क्योंकि चाय के साथ ही पराठा खाएंगे, दही है नहीं, वैसे भी दही मैं बहुत कम ही रखती हूँ क्योंकि सबको खांसी की दिक्कत होने लगती है ना, और इस सीज़न में दही थोड़ी कम ही खानी चाहिए, इस करके दही नहीं है तो चाय के साथ ही पराठा चलेगा। तो सुबह का नाश्ता जो है, आज दोपहर का लंच हो गया, सुबह में रोटी सब्जी बनी थी और अभी मैंने पराठा बना लिया क्योंकि मुझे रात को खिचड़ी बनानी है ना, इसलिए मैंने अभी पराठा बनाया। देखिए मैंने भी अपना ले लिया है इसको लंच, चाय पराठा। मैं ना नीचे ही बैठ जाती हूँ, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ बिछा हुआ रहना चाहिए, मैं नीचे ज़्यादा कंफर्ट फील करती हूँ। तो मैं खा रही हूँ, बच्चे भी खा रहे हैं उधर दोनों। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड की पैंट रखी, अगर मैं इसको हटा दूँगी ना तो कहाँ है कहाँ है कहाँ करने लगेगी। और यहाँ पे टॉवल जो है रेखा रख के चली गई है तह लगा कर। तो ये सब चीज़ आप इग्नोर करो, वैसे भी आपको मेरा घर ऐसे ही दिखेगा। तो चलिए मैं नाश्ता नहीं, लंच कर लेती हूँ और मिलती थोड़ी देर बाद, आपको भी दिखा दूँ। तो पराठा ना बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि मैंने ना कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले ऐड किए थे, और कच्चा मतलब बिना भुना हुआ आलू का पराठा भी काफ़ी अच्छा लगता है, और चाय के साथ तो पता ही है आपको कि कितनी टेस्टी लगती है। तो बस मैं यही खा रही हूँ। और तेजस और यशवीर को मैंने वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दोनों बच्चे मेरे अच्छी कंडीशन में नहीं थे, तो इस करके मुझे सही नहीं लगा उनको वीडियो में लेना।
और बस खाना खाने के बाद फिर मैं सफ़ाई करने में लगूँगी। यहाँ पे जो मैंने कटिंग करके रखा था ना, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि स्टिचिंग करनी ज़रूरी थी। मैं तो एक दिन बाद भी कर लेती, लेकिन मुझे ननद का ड्रेस तैयार करके देना था, इस करके मैं उसमें लग गई। और ये वीडियो ना जन्माष्टमी के बाद आप तक पहुँचेगा, क्योंकि अचानक ही कॉलेज से ना नोटिस आ गया था कि हम लोगों को कॉलेज जाना है। तो फिर वहाँ के 2-3 असाइनमेंट मुझे रेडी करने थे, तो इस चक्कर में फिर मैं ये वीडियो एडिट नहीं कर पाई। असाइनमेंट तैयार करना था और अभी लर्निंग प्लान भी तैयार करना, तो वो सभी चीज़ें अभी मेरी बाकी है, इसलिए ये वीडियो लेट हो गया। तो गाइस देखिए, शाम हो रही है और फेस येलो दिख रहा है ना, क्योंकि येलो लाइट चल रही है। और अभी दिखाती हूँ जो ड्रेस बनकर रेडी हुई है, बनके कुछ ऐसा तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने टेसल लगा दिए हैं और ये है चुन्नी। मुझे लग रहा है ना ये बड़ा हो जाएगा मेरी ननद के गोपाल को, ये साइज बड़ा होगा, लेकिन क्या करूँ, वो उन्होंने बताया ही नहीं था कि किस नंबर के हैं, तो इस करके इसी नंबर का बना दी। क्या क्यों दे दूँ, आ गए मेरे दोनों। और एक ये है, ये साटन के कपड़े पे ना सुई चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं भूल रही हूँ कि इस पे किस नंबर का सुई लगेगा, मेरे माइंड में नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सिला, एक बार तो दिल किया ना कि मैं छोड़ दूँ, फिर सोची नहीं अब माइंड में है तो उसको सिल ले दूँ किसी तरह। एक सुई तो लगा ली, उसको प्रेस करूँगी ना तो ये बैठ जाएगा। अब दूसरा इस पे मेहरून कलर का फ्रिल लगाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ, बच्चों को दूध दे देती, तो आप ज़रूर बताना कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लग रही है, आपकी कान्हा इसी टाइप की ड्रेस पहनेंगे, मैं भी मेरे लल्ला के लिए यही ड्रेस पहनूँ। और ये मेरी मेहंदी येलो है ना, दिख रहा है। बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो बस मेहंदी लगा ली कल। इसको थोड़ा सा ना, ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा और लंबा करना था, बट इतने में ही मैंने ऐसे लगा लिया। मैं मेहंदी अच्छा खासा लगा लेती हूँ, ये मेहंदी की डिज़ाइन आती है लगानी। तो चलिए अब हम बना लेते हैं खिचड़ी, जिसमें कि मैंने मसूर की दाल ली है, अरहर की दाल है, और चने की दाल को शाम को ही सोख करके रख दिया था, क्योंकि चने का दाल टाइम लेता है ना पकने में, इस करके उसको सोख करके रखना पड़ा। लौकी मैंने काट के रख लिया है, तो कुकर में मैंने लिया है सरसों का तेल। अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर मैंने इसमें डाला है राई, तेज़पत्ता, और लौकी काटा हुआ जो था वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सभी मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी से ही खिचड़ी में कलर अच्छा आता है, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। और इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डालना मैं भूल गई। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली है, और उसके बाद मैं डालूंगी सब्ज़ी मसाला 1 चम्मच भर के, सब्ज़ी मसाला नमक टेस्ट के अनुसार। तो ना मैं बात करने लग गई थी किसी से, और बात करने में ही काफ़ी टाइम हो गया था, अभी 8:30 बज रहे हैं, इसलिए मैं बस सिंपल ही खिचड़ी बना रही हूँ। लेकिन ये खिचड़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिना लहसुन प्याज की है ना, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। और इस गिलास से ना मैंने 2 गिलास चावल लिया है, और ये दाल को अच्छी तरह से धो लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल और चावल। दाल चावल डाल के 1.5 लोटा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद सीटी लगाऊँगी, सिर्फ 1 सीटी। 1 विजल में खिचड़ी काफ़ी अच्छी तरह से बन जाती है, 2-3 सीटी लगाने से ना खिचड़ी गल जाती है, बहुत ही ज़्यादा गल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो 1 विजल काफ़ी है खिचड़ी के लिए। तो बात करने के चक्कर में ना मैंने इसमें लहसुन प्याज टमाटर ये सब मैंने नहीं ऐड किया है, मैं सोच रही थी कि ये सब चीज़ें डाल के खिचड़ी बनाऊंगी, बट लेट हो गया तो फटाफट मैंने इसी टाइप से बना दी। लेकिन खिचड़ी सच में बहुत अच्छी बनी थी, लौकी डाल के आप ज़रूर ट्राई करना। और कभी ना मैं आपके साथ लौकी और फ्लैक्स सीड की खिचड़ी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। तो बस मैंने इसमें लोटे से 1.5 लोटा पानी डाला है, क्योंकि लोटा तो आप समझते हैं ना, बस वो मैंने यूज़ किया है। और देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है ना, तो इसमें मैंने पानी गर्म करके डाला, पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड की थी, तो पानी गर्म करके डाला है।
और उसके बाद मैं तड़का भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं डिनर निकालने के लिए, तो तड़का मैं नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही घी डाल के मैं सबको दे दूंगी। तो पहले पापा के लिए डिनर निकाल देती हूँ, उनकी थाली निकाल देती हूँ, तो आज दोनों बच्चे ऊपर ही खाएंगे, तो वो पापा के लिए निकाल देती हूँ, तेजस दे आएगा। तो गाइस बस यही थी मेरी खिचड़ी की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी। आगे मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, बस यहीं पे अपने वीडियो को ऐड करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सब बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।